गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बेटा यहाँ पे आइसोमर देखेंगे। आइसोमर क्या होता है? आइसोमर तो आइसोमर को हम लोग आइसोमेरिज भी बोल देते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज इस ये टू टाइप के होते हैं। पहले हम इसको क्लासिफिकेशन बता दें आपको, फिर आपको कराते हैं इनको। आइसोमर को टू टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो ये पहला नाम क्या हुआ? स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरे का नाम क्या हुआ? स्टीरियो। दिखाई पा रहा ना आपको? स्टीरियो STREO ओ आइसोमेरेज, स्टीरियो आइसोमेरेज, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरे को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है ये कई टाइप के होते हैं। तो पहले हम लोग बोलते हैं चैन आइसोमर, चैन आइसोमर। दूसरे को बोलते हैं पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। फिर बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। फिर हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज, फिर हम लोग बोलते हैं आइसोटोपिक आइसोमर, आइसोमर। फिर हम लोग बोलते हैं टाइटोमेरिज्म। ये आपके टाइप होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर के। स्टीरियो आइसोमर को दो भाग, दो टाइप के होते हैं। इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं कॉन्फिग्रेशन आइसोमर, कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर। एक को बोलते हैं कन्फर्मेशन आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर, ठीक है। कॉन्फिग्रेशन आइसोमर भी होते हैं, दो टाइप के होते हैं। इनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर को फिर दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं एनेंसियोमर, एनेंसियोमेरिज या एनेंसियोमर। एक को हम लोग बोलते हैं डायस्टियोमर, डायस्टियोमेरिज। तो ये इसका जनरल क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर मैंने आपको बता दिया। ये आइसोमर के क्या होते हैं, कैसे बनते होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया बेटा। तो हम लोग अब स्टार्टिंग में देखेंगे आइसोमर क्या होता है। तो चलो हेडिंग यहाँ पे, तो यहाँ पे हेडिंग लगाओ पहले आप आइसोमर, आइसोमेरिज। बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोमर क्या होता है। आइसोमर उसको बोलते हैं, आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब, आइसो मीन्स सेम, मर मेरिज मतलब क्या होता है, पार्ट। मतलब क्या हुआ, एग्जांपल समझो फिर डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया बेटा यहाँ पे CH3CH2OH, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ एटिल एल्कोहल। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, CH3O और CH3। देखिएगा CH3CH2OH, कितने कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने यहाँ पे हैं, टू हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने हैं यहाँ पे, सिक्स है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितना है, वन है।
यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1। दोनों का केमिकल फार्मूला कैसा है यहाँ पे, दोनों का केमिकल फार्मूला जो है सेम है, बट दोनों का इसका नाम क्या होगा, डाई मेथिल ईथर। देखिए क्या मतलब हुआ, आइसोमर उसको बोलते हैं जिसका केमिकल फार्मूला कैसा है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चर दोनों का कैसा है, अलग अलग है, डिफरेंट टाइप का होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमर। तो देखो क्या हुआ, क्या मतलब, तो देखिए हमने बताया आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम यहाँ पे कितने, 6 है, यहाँ पे भी 6, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी है, और हाइड्रोजन 6 है यहाँ पे भी 6 है। तो क्या मतलब हुआ, जिसका नंबर केमिकल फार्मूला कैसा है, दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट है, उसे हम लोग बोलते हैं आइसोमर। तो लिखेंगे डोज स्पीसीज, लिखो लाइन यहाँ पे, डोज स्पीसीज विच कंटेन केमिकल फार्मूला सेम एंड स्ट्रक्चर आर डिफरेंट आर नोन एज आइसोमर। तो मैंने क्या बोला, दोज स्पीसीज विच कंटेन केमिकल फार्मूला आर सेम एंड स्ट्रक्चर आर डिफरेंट आर नोन एज आइसोमर दीज आर फॉलोइंग टाइप। अब इसको इस ये वीडियो में आपको खाली क्लासिफिकेशन आइसोमर बताया क्या होता है और आइसोमर क्या होता है वो बताया मैंने, एग्जांपल आपने ये दिया हुआ, ठीक है आपका बेटा ये एग्जांपल है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया है उसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर आइसोमर से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको आप देखें मुझे बताएं बेटा, ठीक है।